पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस्लामाबाद की जिला और स्वतंत्र अदालत ने इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है। इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के जज ने पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इस आदेश के बाद इमरान खान को लाहौर के जमान पार्क वाले घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी की जा रही है। 3 साल की सजा होने के बाद इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं। बता दें कि इमरान खान पर साल 2018 से साल 2022 के दौरान प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। ये उपहार इमरान खान को विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे, जिनकी कीमत $140 मिलियन से अधिक थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना था। हालांकि इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश दिलाकर हुमायूं पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।